कन्या उससे विवाह करेगी वो 3 सप्ताह के भीतर मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। मैं ये सब कुछ नहीं मानती। कोई कैसे किसी का फेस देखकर ये बता सकता है कि कौन कितना जिएगा कब मरेगा। शादी तो मैं तुमसे करके ही रहूंगी, मैं ये नहीं जानती कि ये कैसे होगा। तू उसे मना कर दे, ब्रेकअप कर ले। चुनाली मुझसे कभी अलग नहीं होगी। अरे तुमने तो कहा था कि आज हम कैफे में मिलने वाले हैं। पहले मैंने सोचा यही था, फिर मुझे लगा कि तुम यहाँ से वहाँ जाओगे एंड मुझे वहाँ से पहुँचना होगा। मतलब इतनी टेंशन क्यों लेना, वैसे हमारी लाइफ की ना लगी पड़ी है, तो मैं खुद ही चली आई। अच्छा किया। बाय द वे जतिन, मुझे ना हमारी प्रॉब्लम का सलूशन मिल गया है। सोल्यूशन कैसे, मतलब क्या सोचा क्या तुमने? मैंने इतना सोचा, मुझे कोई आइडिया नहीं मिला और तुम्हें मिल भी गया। बस ऐसी ही है तुम्हारी चुनाली, इसलिए तो सबसे अलग हूँ। हूँ ना अलग? हाँ वो तो है, पर अच्छा तुम ये बताओ कि तुम्हारा आइडिया है क्या? पहले ये बताओ कि मुझे गिफ्ट क्या मिलेगा। जो तुम चाहो वो तुम्हारा, पर बताओ तो। ऐसे कैसे बता दूं? I mean, जिस प्रॉब्लम को लेकर हम दोनों की रातों की नींद उड़ी हुई है, उसे ऐसे कैसे बता दूं? पहले प्रॉमिस करो कि मुझे एक प्यारी सी लंबी सी किस दोगे। बकवास मत करो तुम, और तुम्हारा आइडिया क्या है तुम वो बताओ। मैंने ना लाख सोचा एंड घूम फिर कर मुझे ना एक ही चीज अच्छी लगी, हमें तुम्हारी शादी किसी और लड़की से करानी होगी। क्या बकवास कर रही हो तुम? बकवास नहीं जतिन, हमारे पास यही एक रास्ता है एंड इसके बाद हम दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। किसी और से शादी करके हम दोनों किसी और से शादी करने के बाद हम दोनों मतलब इससे वो मर जाएगी। है ना ये माइंड ब्लोइंग आइडिया? जस्ट सोचो, तुमसे शादी करने के 3 हफ्तों बाद वो लड़की खुद ही मर जाएगी एंड फिर हम दोनों शादी करके हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। मतलब जुनाली का ये कहना है कि हम जतिन की कहीं और शादी करा दें और वो लड़की जब हमारे घर दुल्हन बन के आए, फिर बाद में जब वो मर जाए तब जुनाली की शादी जतिन से करा, यही ना? एकदम से अगर सोचे तो ये बात आप लोगों को अजीब लग रही होगी, पर अगर हम ठंडे दिमाग से सोचे तो ये एक ब्रिलियंट आइडिया है। और वैसे भी किसी और के समझ में तो वैसे भी नहीं आ रहा था कि आगे क्या करना है, फाइनली मुझे ही सोचना पड़ा। एक्सलेंट आइडिया है ना अंकल। जतिन
एक तुम ही हो जिसे मेरी कोई भी बात समझ नहीं आती। सुना ना तुमने अंकल ने क्या कहा? यही एक तरीका है जिससे हम तुम्हारे दोष को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। सही सोचा ना मैंने अंकल? लेकिन तुमने ये सोचा कैसे? दिमाग दौड़ाया। मुझे ये तो पता था कि इस प्रॉब्लम से निकलने का कहीं ना कहीं कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा। बस मिल गया। पापा को ये बात ठीक लग रही है? ये बिल्कुल बेकार आइडिया है। बट क्यों अंकल? यही एक तरीका है जिससे जतिन और मेरी शादी हो सकती है। किसी की जान लेकर, किसी को मारकर? हम कहां मारे। वैसे मैं ये जानता हूँ उन्हें भी ये बेहूदी बात पसंद नहीं आएगी, पर क्या माँ से भी इस बात की राय ले ली जाए? नहीं नहीं, जुनाली क्या पागल हो गई है? ये किस तरह की बात कर रही है वो? हाँ, बात तो अजीब है, गले के नीचे उतरने वाली तो है नहीं, लेकिन हमारी बेटी जतिन से प्यार करती है। उन दोनों की शादी होने वाली थी लेकिन एंड टाइम पर ये अड़ंगा बीच में लग गया। ऐसे टाइम पर उसे कोई ना कोई रास्ता तो खोजना था ना। और कोई रास्ता नहीं मिला था? यही रास्ता मिला था क्या? पहले किसी को मारो, फिर अपना घर बसाओ। Come on, she's not going to kill anyone. तुम कभी अपनी बेटी को समझने की कोशिश करो। बाप हो तुम उसके। तो बाप होने का मतलब ये थोड़ी है कि मैं अपना दिमाग बंद कर दूं, उसकी हर उल्टी सीधी बात पर उसके पीछे आंख बंद करके चल दूं। तुम्हारे पास कोई और रास्ता है? तुम्हें क्या ठीक लग रही है उसकी बात? नहीं, ठीक तो नहीं लग रही है, लेकिन मुझे ये पता है कि जुनाली किस मेंटल स्टेट से गुजर रही है। अरे तो बैलेंस बना के रखो ना। अगर मुझे क्या कल आंखों से दिखना बंद हो जाएगा तो मैं किसी की भी आंख निकाल के लगा लूंगा। आई ट्रांसप्लांट होता है जया। किसी बात कर रही हो अमोली? माँ की ममता में सही गलत सब भूल चुकी हो क्या? जुनाली जतिन के बिना नहीं रह सकती। समझता हूं मैं, लेकिन ऐसा कैसा जुनून है ये? और हम किसी भी तरह इसे सही नहीं ठहरा सकते। तुमने कभी किसी से प्यार किया हो तो जानो। मैंने तुमसे प्यार नहीं किया। ओहो, किया है क्या? अमोली, हमारी लव मैरिज हुई है। लव मैरिज नहीं, मैरिज फॉर पोजीशन।
मैरिज फॉर पावर। कैसी बकवास बात कर रही हो अमोली तुम। अपने दिल पर हाथ रखकर पूछो और मुझे बताओ, क्या तुम्हें तुम्हारी पोजीशन, तुम्हारे पैसे से प्यार नहीं है? अननेसेसरी मेरी टॉपिक बीच में क्यों ला रही हो? हम तो जुनाली के बारे में बात कर रहे थे ना। ओहो, हम तो जुनाली के बारे में बात कर रहे थे, तो बताओ कोई दूसरा ऑप्शन है तुम्हारे पास? बताओ। उसे कुछ दिनों के लिए अमेरिका भेज देते हैं, अपने चाचा चाची के पास रहेगी तो उसे भी अच्छा फील होगा। और तुम्हें लगता है कि वहां जाकर जुनाली जतिन को भूल जाएगी? हाँ, और यहाँ रहेगी तो ऐसी उटपटान हरकतें करके हमारे साथ साथ ऐशा के ससुराल वालों को भी टेंशन देती रहेगी। वहां जाएगी, जब कुछ टाइम के बाद जब सेटल हो जाएगी तो वहीं कोई अच्छा सा लड़का देख के उसकी शादी करा देंगे। तुम ना अपनी बेटी को सचमुच नहीं जानते, डॉक्टर जयादित्य बरुआ। डैड कह रहे थे कि तू चाचा जी के पास जा रही है कैलिफोर्निया। मैं कहीं नहीं जा रही, मॉम को बोल दिया है मैंने। हुआ ना कुछ दिनों के लिए, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। कुछ चेंज नहीं होने वाला। देख, हम लोग तेरा बुरा नहीं सोचते, इसीलिए कहती हूँ एक आध महीनों के लिए चली जा कैलिफोर्निया। बा, मैं जतिन को भूल नहीं सकती, मैं उसे छोड़ नहीं सकती, इसलिए ये सब जो टैक्टिक्स है ना, ये सब मुझ पे नहीं चलने वाले। मैं उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती हूँ, बोल देना मॉम डैड को। देख, ये प्यार व्यार तब तक ठीक है जब तक अपना कोई नुकसान नहीं हो रहा। अगर उसकी किस्मत ही ऐसी है तो तू जान बूझ कर अपनी जिंदगी दाव पे लगा देगी पागल। मैं कौन सा रिस्क ले रही हूँ? मैं भी तो यही कह रही हूँ ना कि उसकी शादी किसी और से करा देते हैं, और फिर जब सब कुछ ठीक हो जाएगा हम दोनों शादी कर लेंगे। अगर इसको रिस्क लेना कहते हैं तो मैं तैयार हूँ रिस्क लेने के लिए, मैं वेट करूंगी। तेरे लिए आसान होगा किसी और को जतिन के वाइफ के रूप में देखना। जिस तरह मीरा ने कृष्ण के लिए विष का प्याला पिया था, मैं भी जतिन के लिए जहर का घूंट पी लूंगी। मैं जानती हूँ ये आसान नहीं होगा, पर मैं ये भी जानती हूँ कि जतिन मेरा है, सिर्फ मेरा। और फिर इतनी बड़ी मुसीबत से निकलने के लिए इतनी तकलीफ तो उठाऊंगी ना। ओके, अगर तुझे यही ठीक लगता है तो यही सही है, पर मेरी बात सुन, हर कोई तो तेरे जैसे नहीं सोच सकता ना। तेरे जैसे सोचने के लिए, उसे समझने के लिए सबको थोड़ा सा समय चाहिए। इसीलिए कहती हूँ कुछ दिनों के लिए चाचा जी के वहाँ चली जा, तब तक यहाँ भी सब कुछ ठीक हो जाएगा और फिर जैसा तू चाहेगी वैसा ही होगा। मेरे माथे पे सी लिखा हुआ है क्या? मेरी बात ध्यान से सुन लो, अगर तुम लोगों ने मेरे साथ जोर जबरदस्ती की ना, I'll kill myself in front of everyone. तुम्हारे बिना नहीं रह सकती जतिन, शादी तो मैं करूंगी और वो भी तुमसे। मैंने तुम्हारे साथ शादी के सपने देखे हैं जतिन, कि सोते जागते बस मैंने एक ही सपना देखा है और वो है तुम्हारी वाइफ बनने का।
यही एक तरीका है जिससे जतिन और मेरी शादी हो सकती है। किसी की जान लेकर किसी को मारकर? हम कहाँ मारेंगे, वो तो अपने आप ही मर जाएगी ना। यही तो डेस्टिनी है, विधाता का लिखा हुआ है कि जतिन की जिससे भी पहली शादी होगी वो मर जाएगी। आप क्यों आए माँ? आपने मुझे बुला लिया होता। आपकी तबीयत कैसी है अभी? मैं ठीक हूँ बेटा। कैसा है तुम? बैठ। मैं ठीक हूँ माँ। तू ठीक है? माँ हूँ मैं तेरी बेटा, सब पता है मुझे। जब तू पेट में था ना तब से तुझे क्या चाहिए क्या नहीं, कब तुझे भूख लगी है कब तुझे प्यास लगी है, सब कुछ तेरी हर धड़कन सुनाई देती है मुझे। तेरा मेरा कोई आज का नाता थोड़ी है। जो तुझे तकलीफ हो और मुझे समझ में भी ना आए। नहीं माँ मैं ठीक हूँ। हाँ बस आपकी तबीयत को लेकर थोड़ा परेशान जरूर था, पर अब आपको ठीक देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। बेटा, जब कोई बच्चा मुसीबत में होता है ना तो सबसे ज्यादा तकलीफ माँ बाप को होती है। विधाता के लिखे हुए को तो कोई टाल नहीं सकता। उन्होंने तेरे भाग्य में जो जो लिख दिया। छोड़िए ना माँ, कहाँ इन सब बातों में पड़ रही हैं आप। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए आप। बेटा, बच्चा जब इस संसार में आता है ना और धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसके बड़े होने के साथ साथ एक माँ के सपने भी बड़े होते हैं। लेकिन जब उन बढ़ते हुए सपनों में कोई बाधा आती है ना और फिर एक दिन जाकर पता चलता है कि वो सपने कभी पूरे ही नहीं होंगे तो बहुत तकलीफ होती है। एक ऐसी पीड़ा जो वो किसी को बता भी नहीं सकते। बेटा, ठीक कह रही हैं माँ। खैर, मैं यहां इस वक्त तुझसे ये सारी बातें करने नहीं आई थी। बेटा, पिछले कुछ दिनों से कुछ बातें हैं जो उड़ते उड़ते मेरे कानों तक पहुंची हैं, उसी बारे में बात करने आई हूं मैं। अगर तुझे कभी ऐसा लगे कि तुझे कुछ ऐसा करना पड़ रहा है जो तू नहीं करना चाहता है तो उस काम को मत करना बेटा। जी माँ। जुनाली और अमोली नजर नहीं आए।
डिनर कर लिया उन लोगों ने? नहीं। मोली चलो डिनर करते हैं। मुझे नहीं करना। चलो बाबा, कहाँ रोज रोज मौका मिलता है साथ में डिनर करने का। क्या तुम डिनर 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 किए जा रहे हो? हाँ, तुम खाने की बात भी कैसे कर सकते हो? तुम्हारे मुंह में कौर भी कैसे जा सकता है? और तुम्हारी बेटी तिल तिल करके मर रही है और तुम्हें डिनर की पड़ी है? हाँ? क्या? आप लोग यहाँ? नमस्ते। आपने मुझे बुलाया माँ? हाँ बेटा, आओ यहाँ बैठो। बेटा, घर में जो कुछ भी हो रहा है कुछ छिपा नहीं है तुमसे। हम सब ने बहुत सोचा, इसलिए हम लोगों ने तय किया है। मैं बताती हूँ। देखो बेटा, हमारी बेटी जुनाली तुम्हें बहुत प्यार करती है, ये हम सभी कोई जानते हैं। इनफैक्ट इसीलिए तो हम दोनों फैमिलीज इस रिश्ते के लिए अग्री हुए थे। लेकिन अब जो ये नई सिचुएशन बीच में आके खड़ी हो गई है, उसकी वजह से तुम लोगों के साथ साथ हम लोग भी तो परेशान हो रहे हैं। मैं समझता हूँ मम्मा। इसीलिए हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि जुनाली ने जो एडवाइस दी है हमें उसे इंप्लीमेंट करना चाहिए। सीरियसली? डू यू थिंक सो? बिल्कुल। जुनाली की बात एक सेकंड के लिए वियर्ड जरूर लगती है, लेकिन इसे इस तरह देखो ना कि एक ऐसी फैमिली, गरीब लाचार, जहाँ एक एक रोटी के लिए भी अकाल पड़ा हो, मरते मरते जीना या जीते जीते मरना, वहां की लड़की से अगर हम तुम्हारी शादी करवा दें तो सोचो जरा, उसकी बाकी की फैमिली तो ढंग से जी पाएगी? हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि जुनाली ने जो एडवाइस दी है हमें उसे इंप्लीमेंट करना चाहिए। तुम और जुनाली शादी कर लेना और आराम से रहना। I'm really sorry, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता। जतिन, जुनाली तुम क्या कर रही हो ये? मैं तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती हूँ जतिन। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ जतिन।